हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत की पूर्वाभास की घटनाओं के बारे में। मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इससे दुनिया का कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार अदाकारा श्रीदेवी की मौत की दुखद घटना के बारे में, जिनका देहांत 25 फरवरी को दुबई में हार्ट अटैक से हुआ और जिनकी मौत से पूरा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाला हर इंसान सदमे में है। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने इस दुखद घटना में एक नया चैप्टर जोड़ दिया है कि श्रीदेवी की मौत से पहले ही उन्होंने आधी रात के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जिसका मतलब उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आया था। इसी तरह की कुछ और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे 9/11 की ट्रेजडी में मारे गए बहुत सारे लोगों को मौत का पूर्वाभास काफ़ी पहले ही हो चुका था, जैसा कि बॉनी मैकने, जिनके हस्बैंड की मौत इस ट्रेजडी में हुई, अपनी किताब मैसेजेस में इस घटना का जिक्र किया है, जिसमें उनकी मौत से एक सप्ताह पहले वो कह रहे थे कि उनकी मौत यंग एज में ही होगी। इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 में सवार रूथ मैककोट ने, जो अपनी 4 साल की बेटी के साथ फ्लाइट में सवार थीं, अपनी मौत से एक महीने पहले ही अपने हस्बैंड को कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आयरलैंड में किया जाए। और हादसे से ठीक एक दिन पहले उनके हस्बैंड डेविड ने खुद वाइफ और बेटी के प्लेन में एक्सप्लोजन की तस्वीर को अपने माइंड में देखा था। तो इन घटनाओं से ये पता चलता है कि कुछ लोगों को अपने या अपने प्रियजनों की मौत का पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। ये घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। और अगर आप इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।